गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी क्लास 8 का दूसरा चैप्टर अध्याय 2 एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का पहला सवाल है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना ने कोई संख्या सोची, वह इसमें से कितना 5/2 घटाकर, 5/2 उसमें से घटाती है और परिणाम जो आता है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, x। मान लिया कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, x है। अब उसने क्या कहा है, अब करते हैं इसको हम प्रश्नानुसार, है ना, आगे यानी। तो इसमें से 5/2 घटाकर, यानी इसमें से 5/2 घटाकर जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं और फिर क्या मिलता है, जो परिणाम मिला हमको वह सोची गई संख्या, सोची गई संख्या क्या थी, x, उसकी त्रिगुनी है। ये क्या है, उसकी त्रिगुनी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x माइनस 5/2 गुणा 8 बराबर 3x, ठीक है। तो 8x, अब 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो ये 20 बराबर 3x, ठीक है। यहां से मिटा देता हूं मैं इसको, आगे नीचे 8x माइनस 20 बराबर 3x, तो 8x, 3x को मैं इधर लेके आऊंगा तो 3x और 20 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो प्लस में चला जाएगा और 20, 8 में से 3 माइनस किया तो 5x बराबर 20, ठीक है। x बराबर 20/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो क्या आएगा x का मान, 4। x का मान कितना आएगा, 4। समझ में आया, एक सोची गई संख्या थी उसमें से 5/2 घटाया और उसको 8 से गुणा किया और फिर बराबर में क्या आया, जो सोची गई संख्या थी उसका तिगुना। फिर उसको सॉल्व किया, 8 को x से किया, 8x माइनस 5/2 गुणा 8, तो 2 चौके 8 या 5 चौके 20 बराबर 3x, 3x को मैं इधर ले आया तो ये 5x आ गया, वो उधर 20 चला गया और x का मान कितना आ गया, 4। तो सोची गई संख्या क्या थी, 4 थी, है ना। तो सोची गई संख्या बराबर 4, ठीक है। बताओ, दूसरा सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो, माना दूसरी संख्या माना कि x है, तो पहली संख्या क्या है, उसकी 5 गुनी है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या में 21 जोड़ा और दूसरी संख्या में 21 जोड़ा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 21 गुना 42, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं तो आ जाएगा 5x, 2x को मैं इधर लेके आऊंगा तो 2x बराबर 42 और 21 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 21, ठीक है ना। तो देखो, 5 में से 2 गए तो 3x बराबर 42 में से 21 माइनस करेंगे तो 21 और x बराबर 21/3 तो 7, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी थी, 5x थी, है ना। तो ये 5 गुणा 7 बराबर 35 और दूसरी संख्या कितनी थी, 7, तो उतारो।
तीसरा क्वेश्चन है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो अंकों की संख्या मान लो जैसे 72, ठीक है ना, उसे एक संख्या में अंकों का एक उसके एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9, उनका अंक कितना रहे 9। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेनी हमें, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर 9 माइनस कितना आएगा 9 माइनस x। तो अब हम इसको संख्या लिखेंगे, संख्या क्या होगी दहाई वाली संख्या, तो ये है 9 माइनस x गुणा 10 प्लस x गुणा 1। दहाई आता है ना इकाई, दहाई दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई में 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई संख्या, सॉल्व करेंगे इसको, 10 9 90 10x प्लस x, तो 90 10 में से x गए तो माइनस के 9x। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये तो क्या है दी गई संख्या, अब वो कह रहा है इसमें कि इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, है ना, इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं तो x गुणा 10 प्लस 9 माइनस x गुणा 1, तो आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x, तो अब क्या आ जाएगा 10 में से 9 1 गया तो 9x प्लस 9। ठीक है, बदलने पर ये आ गया। अब क्या कह रहा है, बदलने अंकों के स्थान बदलकर दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, तो 9x प्लस 9 बराबर दी गई संख्या क्या आ रही थी अपनी, अभी आई थी ना 10 9 90 माइनस 10x प्लस x, तो आई थी 90 माइनस 9x ना, उससे 27 अधिक है, अंकों के स्थान बदलकर दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो देखो अब 9x 9x को बदल लिएंगे, 9x बराबर 90 प्लस 27 और माइनस 9, ये तो कितना हो गया 18x बराबर 90 और 27, 7 और 9 दो 11 में से 9 माइनस करेंगे 18x बराबर 108, और x बराबर 108 में 18 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार। ठीक है, तो x आ गया 6। अब देखते हैं इकाई की संख्या, इकाई की संख्या क्या है, इकाई की संख्या क्या थी 9 माइनस x गुना 10 यानी 90 माइनस x थी ना, तो 90 माइनस ये तो क्या थी दहाई की संख्या। ठीक है, तो अब देखो इकाई की संख्या, इकाई संख्या थी अपने पास में क्या थी 6, और दहाई की क्या आएगी 9 माइनस 3 बराबर 6, तो संख्या आ गई कितनी, ये कितना है 6 घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा 3, तो संख्या आ गई अपने पास में 36। ठीक है, x बराबर 6 आ गया, तो इकाई संख्या क्या थी x पर x थी तो 6 आ गया, दहाई का 9 माइनस से बराबर 3, तो संख्या आ गई 36। उतारो, चौथा सवाल है, दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, वही पहले वाला सवाल जैसे, ये दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो माना इकाई का अंक, माना
इकाई का अंक कितना है, x है ना, आपको पता नहीं है इसमें इकाई का अंक कौन सा दहाई का, तो हम मान लेते हैं इकाई का अंक x है। दहाई का अंक क्या है, 3 है, यानी 3 गुना है, ठीक है। तो संख्या बनाते हैं, क्या बनेगी संख्या, 3x मल्टीप्लाई 10 प्लस x मल्टीप्लाई 8, तो 30x प्लस x बराबर 31x, क्या संख्या बन गई, 31x। अब कह रहा है इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, ठीक है, इसके अंकों के स्थान बदलने हैं, तो अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलेंगे तो x को गुणा करेंगे 10 से प्लस 3x को गुणा करेंगे 1 से, ठीक है, तो क्या आएगा 10x प्लस 3x, तो ये आ गया 13x, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आगे, दी गई संख्या में इन दोनों अंकों के स्थान फिर इनको जोड़ने पर 31x प्लस 13x बराबर 88, ठीक है, 88 प्राप्त होता है। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे क्या जाएगा, 44 बराबर 88, x बराबर 88/44, 44 × 44, 44 × 88, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। वो पूछ रहा है दी गई संख्या ज्ञात करो, ठीक है, दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो संख्या इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना था अपना, x था तो 2 ही आ गया है ना, x था ना तो बराबर 2। दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना था, 3 गुना था, तो 3 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो संख्या क्या आ गई, अब संख्या दहाई का अंक और इकाई का अंक 62, ठीक है, हमको पता नहीं था तो हम क्या करेंगे, इसको इकाई का अंक कितना 3x यानी 6 और दहाई का x तो यानी 2, तो संख्या कितनी, इकाई का अंक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो 26 है और यहाँ पे आ गया 62, ठीक है, दो आंसर आ गए 26 और 62, उतारो।